बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, सिंपल, डिलीशियस चिकन फिंगर फ्राइज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ। देखिए कितनी मज़ेदार लग रही हैं ये। वैसे हम आमतौर पे बाहर से लेके खाते हैं ये, लेकिन आज मैं आपको इसको घर में बनाने का तरीका बताऊँगी। बहुत ही ईजी है और ये आपके बच्चों की भी बहुत फेवरेट होने वाली है। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चिकन फिंगर फ्राइज बनाने के लिए मैं बोनलेस चिकन ले रही हूँ 500 ग्राम। इसको हमने चॉपर में डालना है और इसको चॉप करना है बहुत अच्छे तरीके से। चिकन हमारी चॉप हो चुकी है और बहुत अच्छा सा कीमा बन चुका है इसका। अब हमने इसके अंदर ऐड करने हैं मसाले। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट। इसके बाद ये पेपरिका पाउडर है 1 टेबल स्पून। ये है ब्लैक पेपर पाउडर 1 टेबल स्पून। ये है मेरे पास गार्लिक पाउडर, ये भी है 1 टेबल स्पून। ये है चेडर चीज़, ये मैं 1 कप डाल रही हूँ इसमें। अब इसको अच्छी तरह से हम लोगों ने मिक्स करना है। बहुत सिंपल है ये, लेकिन इसका फ्लेवर और इसका टेस्ट आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। ये देखिए जी, अच्छी तरह ये मिक्स हो चुका है। अब हमने इसके फ्राइज़ बनाने हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर मैदा लिया है 1 कप, अंडे लिए हैं 2 अदद, फेंट लिए हैं और ब्रेड क्रम्स मैंने लिए हैं 1 कप। आप इसको अपने हिसाब से ले सकते हैं जितनी आपको रिक्वायरमेंट हैं। इसके बाद ये मैं देखिए फ्राइज़ बनाने शुरू किए हैं मैंने। इस तरह रोल करके मैंने इसको बनाया है। पतली पतली इसकी फिंगर्स बनानी है हमने, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना इसको। साइज़ आप छोटा या पतला या जैसा करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन बस बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए ये। इसके बाद मैं इसको पहले मैदे में कोट करूँगी। इसके बाद जो अंडे फेंटे हुए थे हमने, उसमें रखूंगी मैं इसको। अच्छी तरह से इसको कोट कर लूंगी। इसके बाद ये ब्रेड क्रम्स हैं, इसमें कोट कर लूंगी मैं। और ये देखिए, ये हमारा तैयार हो गया है। इसी तरह मैं सारे बना लूंगी। थोड़ा सा रोल भी कर लें साथ में ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद। अच्छा, 16 से 18 बन जाएंगे इतने कीमे में। और इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं 1 महीने तक के लिए। अभी फ़िलहाल हम इसको 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे। अब इसको हमने फ्राई करना है, तो फ्राई करने के लिए मैं फ्राइंग पैन में ऑयल डाल रही हूँ शैलो फ्राई करने के लिए। अब इसमें 1-1 करके मैं चिकन फिंगर्स ऐड करूँगी ऑयल में। अब इसको हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करना है। चिकन भी हमारी अंदर से कच्ची है, इसलिए हाई फ्लेम नहीं कीजिएगा, क्योंकि ब्रेड क्रम्स जो हैं वो बहुत जल्दी डार्क हो जाते हैं। तो इसलिए स्लो मीडियम फ्लेम पे ही आप इसको पकाइएगा। अच्छा से फ्राई करें, अच्छा से इसका गोल्डन कलर आना चाहिए और चिकन भी अच्छी तरह से पक जानी चाहिए। तकरीबन 12 से 15 मिनट तो तकरीबन लगेंगे इसमें। ये देखिए, मैं पलटती जा रही हूँ जहाँ से ये गोल्डन होता जा रहा है अच्छा सा।
आप लोग इसको शाम की चाय के साथ या अपने गेस्ट के सामने इसको सर्व कर सकते हैं। आपके गेस्ट यकीनन इसको बहुत पसंद करेंगे। और देखें कितनी आसानी से, कितने सिंपल तरीके से ये मैंने आपको बताए हैं। आप अभी तक हम लोग ये समझते हैं कि बाहर से जो हम चीज़ें लेके खाते हैं वो हम घर में तैयार नहीं कर सकते, लेकिन ये देखें आप कितनी आसानी के साथ हमने चिकन फिंगर फ्राइज़ जो हैं वो घर में तैयार कर लिए हैं। देखें इसका फ्लेवर चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी हो जाता है। और ये देखें कितना अच्छा इनका कलर आ गया है। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे मैं कहूँगी कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। ये देखें मैंने सारे डिश आउट कर लिए हैं और ये कितने मज़ेदार लग रहे हैं। और ये आप बच्चों को लंच में दें, बहुत ही बच्चों को ये पसंद आएंगे। या तो शाम में एज ए स्नैक्स आप इसको ले सकते हैं, मेयोनीज़ के साथ या केचप के साथ इसको सर्व कीजिए। और बच्चों को बाहर से लेकर देने से बेहतर है कि आप घर में ही अच्छा फ्रेश और बिल्कुल हाइजेनिक तरीके से बना हुआ लंच दें बच्चों को। इसको मैं आपको अंदर से भी दिखाती हूँ तोड़ के, बहुत ही जूसी और यमी है ये। और चीज़ की वजह से इसका फ्लेवर और ज़बरदस्त हो गया है। देखिए कितनी आसानी से हमारे चिकन फिंगर फ्राइज़ तैयार हो गए हैं। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे किसी नई वीडियो में इंशाल्लाह ताला। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।